हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम करते हैं कक्षा चार का जो हम लेसन कर रहे थे, नेहा का जन्मदिन, उसका यह अंतिम पार्ट है। उसका जो पार्ट रह गया है वह है मुझे यह अच्छा नहीं लगता। जैसे कि टाइटल से ही पता चल रहा है कि यदि आपको कोई तंग करे या आपको जिसका व्यवहार अच्छा नहीं लगे, आपको कोई तंग करता है तो वह हमें अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अगर कोई हमें गलत तरीके से छुए या आपको कोई गलत तरीके से छूता है तो वह किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो इसी लेसन के बारे में मीना और रितु दो सहेलियां हैं और वो आपस में बातचीत कर रही हैं। वो बता रही हैं कि किस प्रकार का छूना अच्छा होता है और किस प्रकार का नहीं होता और क्या क्या होता है। स्टोरी को हम पढ़ते हैं और तब तक आप देखते रहिए हमारा नेहा का जन्मदिन। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। मीना और रितु स्टापू खेल रही थी। क्या खेल रही थी? वो स्टापू, यानी कि यह खेल का नाम है जो हम बचपन में जब छोटे थे तब खेलते थे। ठीक है, आप भी जब बच्चे हो अभी आप खेलते होंगे, इसलिए आपको इसका नाम पता है। स्टापू एक खेल है। मेरे घर चलो ना, मीना और रितु, मीना ने रितु को खींचते हुए कहा। किसको कहा? रितु को कहा मीना ने कि चलो अब हम अपने घर चलते हैं और आप मेरे घर मेरे साथ ही चलना। तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे ना? रितु ने क्या कहा मीना से कि आपके जो मामा जी है क्या वो घर पर हैं या नहीं है? मुझे बताओ पहले, मैं फिर चलूंगी। क्यों कहती है वो? अगर वे हो तो मैं घर नहीं चलूंगी। क्या कहा उसने कि अगर आपके मामा जी घर पर है, किसके मामा जी? मीना के। रितु कहती है उससे कि यदि आपके मामा जी आपके घर पे हैं तो फिर तो मेरा जाना कैंसिल है, मैं आपके घर नहीं चलूंगी। क्यों नहीं चलेंगे? रितु ने जवाब दिया, पर क्यों नहीं चलोगी आप? ऐसा क्या कारण है कि आप मना कर रहे हो मेरे घर जाने से? मामा को तुम अच्छी लगती हो, यानी कि जो मेरे मामा जी हैं वो आपको पसंद करते हैं, आप अच्छे हो। वे कह रहे थे, क्या कह रहे थे? अपनी सहेली रितु को घर लाना। क्या कहा उसने? उसने कहा कि आप अपनी सहेली जो है रितु, उसको अपने घर लेकर आना। और वो उसके घर जाना नहीं चाहती थी। ऐसा क्या कारण था, ऐसी क्या बात थी, ऐसा क्या सीक्रेट था उनके बीच में जो उसका मामा जो है उसे वह रितु डर रही थी? कुछ ना कुछ तो ऐसा कारण था। तो ऐसा अगर कोई कारण है, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा कारण है कि आप किसी के घर जाने से डरते हो, तो उस कारण को आप अपने घर वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि कोई फिर बड़ी बात ना हो और आपको कोई नुकसान हो। अगर आपको कोई तंग करता है, इस तरह से आपको कोई छूता है या कोई गलत व्यवहार करता है जिसके कारण आप डर गए हो, तो अपने मम्मी पापा या अपने अध्यापक को इसके बारे में जरूर से जरूर बताना। आगे हम पढ़ते हैं क्या है इस लेसन में। वे कह रहे थे अपनी सहेली रितु को घर लाना, मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। किस बहाने से वह उसको बुला रहा था? चॉकलेट के बहाने से। बच्चों को चॉकलेट अच्छी लगती है और बच्चे खाने पीने की चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो उसका जो मीना का जो मामा जी थे वह उसको रितु को चॉकलेट के बहाने से, किसके बहाने से? चॉकलेट के बहाने से अपने घर बुलाना चाहता था, जो कि अच्छी बात नहीं थी। मीना उससे डर रही थी। ऐसा क्या कारण था वो हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, रितु ने मीना से हाथ छुड़ाया और बोली, मुझे तुम्हारे मामा से डर लगता है। क्या कहती है मीना? कि मेरे घर चलो। और रितु जो है उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है कि नहीं, मुझे जो है आपके मामा से बहुत डर लगता है। क्यों लगता है? वे मेरा हाथ पकड़ते हैं। यही मेन पॉइंट था, क्योंकि जो उसके मामा जी है वो चॉकलेट के बहाने से, कभी किसी बहाने से रितु का हाथ पकड़ते हैं।
और यही बात थी जिस कारण रितु जो है वो उसके मामा से डर रही थी। तो मुझे अच्छा नहीं लगता, समझ आई? कि यदि कोई आपका हाथ ऐसे पकड़ता है जिससे आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप उसकी शिकायत अपने घर वालों से, किसी सदस्य से, मम्मी से, पापा से, भाई बहन से या अपने अध्यापक से, इस प्रकार की बातें जिसका छूना आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप उस प्रकार की बातें अपने घर वालों से जरूर बताएं। यह कहकर रितु अपने घर चली गई। देखा, अभी आपने लेसन के अंदर पढ़ा सुना भी कि रितु और मीना दो सहेलियां हैं और वो आपस में खेल रही थी, आपस में वो बेस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन जैसे ही मीना रितु को अपने घर इनवाइट करती है कि आप मेरे घर चलिए, लेकिन जो रितु है वो उसके मामा से डरकर उसके घर नहीं जाती, क्योंकि वह उसकी बेस्ट सहेली थी, बेस्ट फ्रेंड थी, तब भी उसके घर नहीं जाती। किसके कारण? उसके मामा के छूने के कारण। ठीक है, तो यदि आपको भी बच्चों किसी का छूना, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है, तो इसकी शिकायत आप अपने घर वालों से करें कि वो मुझे ऐसे टच करता है, यहाँ यहाँ टच करता है, जहाँ पर आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप उसकी शिकायत जरूर करें। तो कुछ प्रश्न हैं आपसे, आपके पर्सनल प्रश्न हो सकते हैं, आपको इसका जवाब अगर लिखकर नहीं देना है तो इसका जवाब आप मौखिक रूप से अपने घर वालों को जरूर से जरूर दें। आपको डरने की किसी से भी जरूरत नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ गलत कर रहा है, आपको गलत छू रहा है, गलत जगह से छू रहा है, तो उसकी शिकायत आप जरूर करें। तो पहला प्रश्न है जैसे, क्या तुम्हें भी किसी का छूना बुरा लगा है? यदि हाँ तो किसका छूना बुरा लगा है, इसके बारे में आप अपने घर वालों को जरूर से भी जरूर बताएं। दूसरा जो प्रश्न बनता है हमारा, अगर तुम रितु की जगह होते तो क्या करते? कि रितु की जगह अगर आप होते तो आप क्या करते? आप उसके घर जाते या नहीं जाते या क्या है? तो उसका आप जरूर उत्तर लिखें। ऐसा होने पर और क्या किया जा सकता है? कि यदि आपको कोई छूता है तो ऐसा करने पर आप और क्या कर सकते हैं? अपने घर वालों के अलावा, आप अध्यापक के अलावा और क्या कर सकते हैं? यदि आपको लगता है कि आपको कहीं इसका निवारण नहीं मिल रहा, कि मेरी समस्या का जो समाधान नहीं हो रहा है, वहाँ से भी आपने किसी को बताया है फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो आप जो चाइल्ड लाइन नंबर होता है आपका 1098, आप इस पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। आगे है, क्या सभी का छूना एक जैसा होता है? क्या सभी का छूना एक जैसा होता है? नहीं होता, क्योंकि जो डॉक्टर है, अब डॉक्टर, हम बीमार हैं, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हमारा अपने घर वालों की उपस्थिति के होते हुए हमें चेक कर सकता है, हमें छू सकता है, हमारा, जैसे हम देखते हैं ना आपको डॉक्टर वो कानों में लगा के ऐसे करते हैं ना, हाँ, तो डॉक्टर हमें छू सकता है, और वो भी कब? जब हमारे घर का कोई सदस्य उसके पास खड़ा हो। दूसरा, आपकी मम्मी है, आपके पिताजी हैं, वो आपको छू सकते हैं, आपका अध्यापक जो है वो आपको छू सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई गलत तरीके से छू रहा है, तो आप उसकी शिकायत अपने मुख्य अध्यापक से कर सकते हैं या अपने घर वालों को बता सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था नेहा का जन्मदिन के अंदर, के छूना किसको कैसा अच्छा लगता है, कैसा नहीं लगता है, इसके बारे में हम डिटेल से बता चुके हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन आप बच्चों ये बात जरूर ध्यान रखना, खासकर ये बात मैं अपनी गर्ल्स के लिए कह रहा हूँ, अगर आप कोई छू रहा है तो उसकी शिकायत अगर आपको अच्छा नहीं लगता, अपने घर वालों से जरूर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।